गाइस दोस्तों रेडियो और फ्रेंड्स सीजन हम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो हम बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है क्योंकि इस पे जो हम दो बाइक्स दिखाने वाले हैं ना गाइस यार मतलब वो बाइक्स ना अनबीटेबल है। दोस्तों आई हैव नेवर सीन बिफोर बाइक्स एंड आज तक किसी व्लॉग में आपने वो बाइक नहीं देखी होगी, यूट्यूब पे नहीं देखी होगी एंड वेरी रेयर बाइक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अमेजिंग लुकिंग बाइक्स है वो। आवाज तो नेक्स्ट लेवल है ही है ये। सो बाइक्स तो आपने थंबनेल में देख ली होंगी बट अभी वीडियो में बने रहिएगा, हेडफोन्स पहन लो, आवाज़ मज़ेदार होने वाली है। ये आवाज़ सुन रहे हो ऐसे नहीं होगी कुछ अलग है। सो लेट्स गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिस मी जसनीत सिंह विद अर्जुन मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स पे आप देख रहे हो सरस्वती मोटर्स की वीडियो। और इसमें से एक बाइक हम पहले रिव्यू कर चुके हैं, अगर अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको भी जाके देख सकते हो। बिल्कुल। और ये दो बाइक्स हैं और वो भी फॉर सेल है, मतलब यार लोगों को देखने को नहीं मिलती और यहाँ पे हम आपको दो दो दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द डुअल सीरीज गोइंग ऑन एट मिस्ट्री व्लॉग्स चैनल। आपको जहाँ एक देखने को मिलती थी वहाँ आपको एक से पहले दो देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड पहले लाइक कर दो बाइक के चैनल को, सब्सक्राइब कर दो एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलना। आई रियली लव योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। इज्जत मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो बिहाइंड मी दीज आर टू नॉट वन टू ब्यूटीफुल मशीन्स जो आपके सामने खड़ी हुई हैं। द बाइक इज़ नन अदर देन योर होंडा CBR Repsol एडिशन 1000RR 1000cc ऑफ प्योर मैडनेस। एंड ये जो बाइक्स हैं ये सेम वही हैं जो सेम मोटो जीपी एडिशन आप चलाते हैं। मार्क मार्क्वेज है विच इज़ अ होंडा राइडर, हु इज़ अ होंडा राइडर। ये जो बाइक स्पेसिफिकली ऑन योर राइट साइड जो आप स्क्रीन में देख रहे हो दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम मोटो जीपी। एग्जैक्टली द सेम मार्क मार्क्वेस 93 इज नोन बाय द होंडा राइडर मार्क मार्क्वेस जो मोटो जीपी में इस बाइक को राइड करता है। एंड उधर जो आप देख रहे हो दिस इज द सेम बाइक बट ये थोड़ा प्रीवियस एडिशन का है 2011 मैन्युफैक्चर एंड वेल रजिस्टर्ड बट लोडेड विद गुडीज। इसके अंदर इतना सामान लगा हुआ है जो कि नेक्स्ट लेवल सामान है एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट बाइक इज़ वन ऑफ अ काइंड। सो गाइज लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले कौन सी करते हैं, लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट पहले करते हैं, लेफ्ट पहले लेफ्ट करेंगे। सो दिस इज द 2011 मैन्युफैक्चर्ड एंड 2012 रजिस्टर्ड Repsol CBR 1000RR। इस बाइक के अंदर अगर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की बात करी जाए तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द फ्रंट। ABS लगा हुआ है, ओलेंस के सस्पेंशन लगे हुए इस बाइक के अंदर। गाइस दिस शॉकर्स आर ऑफ ओलेंस व्हिच आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड सबसे एक्सपेंसिव और सबसे जबरदस्त कह सकते हो शॉकर्स अवेलेबल है मार्केट में फॉर द बाइक्स। दीज आर योर ओलेंस के सस्पेंशन। बाद अगर बात करी जाए तो इसके अंदर लगा हुआ है क्रैश गार्ड, साथ में लगा हुआ है इंजन गार्ड जो आप पीछे देख रहे हो। मोर ओवर इस बाइक के अंदर थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट। दिस एग्जॉस्ट इज अमेजिंगली लाउड, खतरनाक लाउड है ये एग्जॉस्ट, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। इसके बाद जो आप देख रहे हो पीछे लगे हुए हैं स्पूल्स, पैडॉक स्पूल्स हैं ये फॉर योर पैडॉक स्टैंड। एंड साथ में जो पीछे आप टायर देख रहे हो, टायर के मतलब ग्रूव्स भी नहीं उतरे हैं, दिस इज अ न्यू टायर। पीछे आपको काउल भी मिलता है। दीज एक्सप्रेशंस आर वैलिड फॉर दिस बाइक, इट्स टू लव टू हैंडल। और साथ ही में इसमें जैसा कि आप देख रहे हो ये टैंक पे कार्बन फाइबर टैंक पैड कह सकते हो और टैंक की प्रोटेक्शन के लिए भी कह सकते हो। दीज ये जो पैड है दिस इज़ फॉर कि जस्ट इन केस आपकी टैंक पे आप जैकेट पहनते हो, कोई भी गेयर्स पहनते हो तो स्क्रैचेस ना पड़े फॉर प्रोटेक्शन। दिस इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ कार्बन फाइबर, दिस इज़ वेरी लाइट वेट। एंड मोर ओवर इधर देखते हैं तो फिर से आपको नीचे वही मिलते हैं क्रैश गार्ड्स। ऊपर देखोगे तो ये हैंडल बार ग्रिप्स भी जो हैं ये डिफरेंट हैं, ये हैंडल बार ग्रिप्स भी चेंज हैं। दीज आर फ्रॉम CBR इटसेल्फ, यहाँ पे CBR लिखा हुआ है, दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। साथ ही में इसमें लिवर्स लगे हुए हैं विच आर योर एडजस्टेबल लिवर्स, ये अपने आप हाथ के हिसाब से विथ के हिसाब से यू कैन एडजस्ट द काउंट फ्रॉम 1 to 6 एडजस्टेबल लिवर्स हैं। उसके बाद आगे देखेंगे
Again, this is your zero gravity visor. This is your tall visor for the wind blast. This is a tall rider. So, मेरी तरफ से इनकी height लंबी है. इससे wind blast कम हो जाता है. आप थोड़े ऊँचे बैठते हो तो wind blast defect होके it goes over your जो भी आप helmet पहनोगे तो it goes over your helmet. And moreover, थोड़े बहुत carbon fiber की wrapping हुई भी on the mirrors, which looks very beautiful. और छोटी-छोटी तो lights जलती हैं यहाँ पे white color की, which is again very mesmerizing. इसके अंदर जो indicators आते हैं, वो भी आपके rear view mirrors में आते हैं, side mirrors में आते हैं, which is a very unique feature, very distinct feature. 2011 manufacture, 2012 registered. अब बारी आती है. This is your CBR Repsol, again 1000rr fire blade, 2016 manufactured and 17 registered. 2017 में ये शोरूम से निकली है गाइस. इस बाइक के एक बार लुक्स देखिए. बाइक है, दिस इज आल्सो अगेन लोडेड विद एक्सेसरीज. इस बाइक के अंदर अगर पीछे से स्टार्ट करते हैं तो आपको मिलती है पहले टेल टाइडी, नीचे मिलता है ब्रांड न्यू टायर अगेन विद दिस बाइक. टायर के साथ में आप देखेंगे दिस इज SC प्रोजेक्ट ओरिजिनल एग्जॉस्ट. दिस इज अ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, टाइटेनियम मेड SC प्रोजेक्ट. नीचे स्पूल्स लगे हुए हैं फॉर योर पैडॉक स्टैंड. साथ ही में आपको पीछे काउल मिलता है. काउल कम्स इन एज एन एक्सेसरी, लेनी पड़ती है आपको. सीट साथ में मिलेगी बाइक के. अगर इस तरफ आएंगे आपको छोटी मोटी टिट्स एंड बिट्स दिखेंगी. ये पीछे ब्रेक ऑयल एज ए वॉय कैप देख रहे हो, इंजन ऑयल फिलर कैप देख रहे हो. साथ में अगर आप देखोगे ये हैंडल बार ग्रिप्स, दीज आर बाय ड्रिवन. इस पर ड्रिवन लिखा हुआ है, आई होप यू कैन सी. पीवी केस के अंदर ये बार एंड्स लगे हुए हैं सो दैट योर हैंडल रिमेन्स वेरी स्टेबल. स्टॉर्म ग्रिप के अंदर ये जो टैंक ग्रिप्स लगी हुई हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ. साथ में आपको मिलता है इसके अंदर टैंक पैड. उसके अलावा अगर आगे आते हैं एक बार इसका लुक देखिएगा. इज दिस थिंग लुक्स सो ब्यूटिफुल. मार्क मार्क्वेस 93 एडिशन. दिस इज वन अमेजिंग लुकिंग बाइक विद LED हेडलाइट्स इन द फ्रंट. एक हेडलाइट इसलिए नहीं जल रही क्योंकि वो लो बीम है और ये हाई बीम है. नाउ यू सी वो द हेडलाइट्स, दीज आर ऑल LED लाइट्स, वेरी ब्यूटिफुल. और अगेन छोटे छोटे ये जो देख रहे हैं ट्विंकल्स ऑन द रियर व्यू मिरर्स एंड आपके इंडिकेटर्स भी मिरर्स में ही होते हैं, सेम इन द रेप्सोल वैल्यू वन. डेली रजिस्टर्ड बोथ, दोनों डेली रजिस्टर्ड है. सिंगल ओनर बाइक्स है दोनों की दोनों. फर्स्ट ओनर ड्रिवन. ये चलिए लगभग 11,000, ये चलिए लगभग 14,000. अब इसकी बारी आती है इसके डैश को देखने की. लुक एट द स्टार्टअप. दिस इज द कंप्लीट TFT डिस्प्ले जो दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट कंपनी से. बाकी छोटी मोटी एक्सेसरीज और भी काफ़ी सारी लगी हुई हैं. ये RNG का आप देख रहे हो छोटा सा बैंड है. दिस थिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. नीचे लिवर सॉक्स लगी हुई हैं. एक्सेसरीज बहुत सारी हैं अंदर. इसके अंदर BMC का एयर फिल्टर भी लगा हुआ है, विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस एयर फिल्टर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ. मोर ओवर इस बाइक के साथ आपको पीछे टायर हगर, स्टॉक एग्जॉस्ट और दूसरी चाबी, सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ आपको साथ में मिलेगा. पीछे की सीट भी आपको मिलेगी. सो एवरी डॉक्यूमेंट एंड एवरी स्पेयर पार्ट जो भी इसका आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगी हुई हैं और जो स्टॉक पार्ट्स हैं सारे के सारे आपको साथ में मिलेंगे. और इस बाइक के साथ आपको पीछे की सीट मिल जाएगी. एंड दीज टू आर बोथ अमेजिंग लुकिंग बाइक्स. इनकी प्राइसिंग की बात करी जाए जो भी रह गया था, ये वाला एडिशन जो है आप देख रहे हो 2011 मैन्युफैक्चर और रजिस्टर्ड 2012. ये वाला एडिशन के जो प्राइस है विच वी आर डिमांडिंग इज 8.75 lakhs, विच इज़ नेगोशिएबल. 8,75,000 रुपये दीजिए रजिस्टर्ड सिंगल ओनर बाइक. 14,000 भी नहीं चली अभी, 13,900 कुछ चली है. 14,000 किलोमीटर्स डन, लोडेड विद एक्सेसरीज. इसमें भी KNN का एयर फिल्टर लगा हुआ है, क्रैश गार्ड्स, इंजन गार्ड्स, आगे वाइजर, ओलिंस का सस्पेंशन, एवरीथिंग इज़ देयर. फुली लोडेड बाइक है ये. इसके भी आपको इंश्योरेंस मिलेगी साथ में एंड पीछे की सीट आपको साथ में मिलेगी. द एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर दिस बाइक इज 8.75 lakhs, विच इज़ अगेन नेगोशिएबल. दिस इज 2016 मैन्युफैक्चर्ड एंड 17 रजिस्टर्ड. अगेन डेली रजिस्टर्ड सिंगल ओनर बाइक, 11,000 किलोमीटर्स डन. इसका भी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है विच यू आर कोटिंग फॉर दिस बाइक इज 13.75 lakhs, विच इज़ अगेन नेगोशिएबल. 13,75,000 रुपये नेगोशिएबल है. एक्सेसरीज इसके अंदर लगी है लगभग 1.5 से 2 lakh रुपए का इसमें सामान लगा हुआ है. नई बाइक का कॉस्ट जो है गाइस दैट इज़ ओवर 21 lakhs. 21 lakh रुपए की बाइक के ऊपर आपको 1.5 से 2 lakh रुपए का सामान मिलता है. तो लगभग 22.5 lakh रुपए की बाइक आपको मिलती है 13.5 lakhs ओनली, विच इज़ अगेन नेगोशिएबल.
आप आइए, वी कैन टॉक ओवर द टेबल एंड वी कैन गिव यू अ गुड प्राइस एंड अ वेरी गुड डील फॉर बोथ द बाइक्स। और दोनों बाइक्स का को सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आप अगर दिल्ली से बाहर से हो, आपको NOC भी मैं इशू करके दूंगा, ट्रांसपोर्ट भी मैं करके दूंगा, एवरीथिंग इज अप टू मी, अप टू अस। अपने पास दो रेप्सोल घड़ी है बट दोनों में सेम एग्जॉस्ट लगा है, दोनों की सेम आवाज़ है, इसीलिए दोनों को चालू करने का कोई मतलब नहीं है। इस वाली को चालू करते हैं तो यार आवाज़ सुनो इस बाइक की। अब हेडफोन्स पहन लो, अभी तक नहीं पहने हैं तो गाइस रेडी। बाइक के अंदर SC प्रोजेक्ट लगा था, आई होप आपको आवाज पसंद आई होगी। इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉप्स एंड क्रैकल्स, तो वो इस बाइक में नहीं हो सकते। रीजन बीइंग इसके अंदर लगी हुई है स्मॉग ब्लॉक ऑफ प्लेट्स। ब्लॉक ऑफ प्लेट्स जो होती हैं दोज आर यूज्ड फॉर रेस ओरिएंटेड पर्पस के लिए यूज होती है, ताकि आप बैक प्रेशर लूज ना करो, एंड थोड़ा टेक्निकल चीज़ है वो, तो दैट इज बैक प्रेशर इज नॉट हेल्दी फॉर योर बाइक्स गाइज। तो जिन बाइक्स में आप कहते हो पटाखे वगैरह निकलते हैं, आग निकलती है, दैट इज कम्प्लीटली अनहेल्दी एंड अननेसेसरी फॉर द बाइक। मेक श्योर इतनी महंगी चीज़ ले रहे हो तो बाइक का ध्यान रखना चाहिए, बाइक की कदर करनी चाहिए। 13 लाख रुपए खर्च रहे हो तो मेक श्योर कि वो जो आग निकलती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी डिस्टर्ब एयर फ्यूल रेशियो। आपकी एयर फ्यूल रेशियो जब डिस्टर्ब होता है तब बाइक के अंदर ये एक प्रॉब्लम है विच टेंस टू हैपन, बैक फायरिंग होती है विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर द बाइक एट ऑल। तो स्मॉग ब्लॉक ऑफ प्लेट्स लगती हैं फॉर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। सो गाइस दिस वॉज दी एग्जॉस्ट नोट ऑफ होंडा CBR 1000RR रेप्सोल एडिशन। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बाइक कौन सी देखनी है, नेक्स्ट बाइक भी एग्जैक्टली नेक्स्ट बाइक भी हम वेट करेंगे आपके लिए टू मेक अ गुड वीडियो फॉर यू गाइस फॉर द नेक्स्ट बाइक। आपको जो भी पसंद है आप बताइए। दिस वाज डबल ट्रबल कह सकते हो इन बाइक्स को, नो वेयर एल्स टू बी सीन, सिर्फ सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स पे। आपको करोलबाग में ये दो एग्जैक्टली कहीं नहीं, पूरे करोलबाग में क्या, शायद पूरे दिल्ली में भी ना हो। दिस इज दीज आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बाइक्स। और ये जो बाइक है दिस इज अ वेरी रेयर बाइक। ये जो एडिशन आप मेरे आगे देख रहे हो ये पूरे दिल्ली में सिर्फ एक ही बाइक है। दिस एडिशन ऑफ रेप्सोल इज ओनली अवेलेबल एट सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स जसनीत सिंह के पास। सो दिस वाज द बाइक, दिस वाज द टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई के चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड एवरीवन। बाकी मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स का चैनल है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लोग बोलते भी आपका चैनल नहीं है। सो आई विल गिव द माइक ओवर टू हिम नाउ, ही विल एंड दिस वीडियो। सो गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियो। और अपनी डिमांड जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो को लेके। हायाबुसा के मैंने पूल डाले थे, उसमें भी आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट बाइक कौन सी देखनी है, नेक्स्ट वीडियो कौन सी भी देखनी है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स एंड जसनीत पाजी, देन बाय।